आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। टुडे इज सैटरडे, सुबह के 10 बज रहे हैं। हम लोगों ने छोटा मोटा एक्सरसाइज किया, मैं थोड़ा सा रिकॉर्डिंग किया है एल्पेड आफ्टर दिस, एंड उसके बाद हमें नींबू शहद का पानी पिया, एंड नाउ आई एम जस्ट मेकिंग ब्रेकफास्ट। और आज हम लोग ब्रेकफास्ट में खा रहे हैं पोहा। तो पोहा इज अमेजिंग, एंड यस। तो मैंने सोचा चलो आपको लेके चलती हूँ अंदर किचन के अंदर, एंड फिर दिखाती हूँ कि मैं पोहा बना रही हूँ। देखो कैसे बना रही हूँ। ब्रेकफास्ट तैयार है, ओ हाँ। और ये है मेरा हल्दी इलायची वाला दूध। यप, ये ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। और उसके बाद हमारा कोई प्लान नहीं है, वी आर जस्ट गोइंग टू सी कि हम क्या करेंगे। देयर इज नो प्लान अभी तो फिलहाल। मशीन चल रही है, थोड़ा सा घर का काम, एंड यप। तो करा जाए पोहे का ब्रेकफास्ट। मूवी का रिव्यू, तो मूवी इज गुड, मुझे तो अच्छी लगी। मैं क्या रिव्यू ही दूँ, मतलब द मूवी वॉज गुड। देखो आप लोग भी अगर नहीं देखी है तो, इट्स ऑन नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स पे देखी थी ना हमने, हाँ इट्स ऑन नेटफ्लिक्स, डू वॉच इट। इट्स अ नाइस मूवी, क्वाइट डिफरेंट एंड नाइस। एंड फिर दूसरी, हम इस बार एक साल बाद वी वेंट टू अ थिएटर टू वॉच अ मूवी। कौन सी मूवी देखी हमने? राया एंड द लास्ट ड्रैगन। इट्स एन एनिमेटेड मूवी, एंड बच्चों वाली, क्या बोलूँ, बच्चों वाली है मतलब। बट इट्स अ नाइस मूवी, इट्स अ क्यूट नाइस मूवी, समथिंग टू लर्न फ्रॉम इट डेफिनेटली। स्टोरी इज गुड, आई लाइक दैट, वी लाइक दैट। इट वॉज, वी वेंट ऑन थर्सडे, वीकडे में ही चले गए थे। नमन का बड़ा इच्छा, नमन की बड़ी इच्छा हो रही थी कि हम जाएँ मूवी देखने के लिए। तो फ्राइडे नमन टुक अ ऑफ, और तो थर्सडे, फ्रॉम थर्सडे इवनिंग ही इज़ ऑन हिज वीकेंड। तो नमन का अच्छा लॉन्ग वीकेंड हो गया, तो वी वेंट ऑन थर्सडे नाइट मूवी देखने गए थे। वी रियली इन्जॉयड, मज़ा आया काफ़ी, है ना नमन? कैसी लगी तुमको, कैसी लगी मूवी? है कौन सी मूवी? बस अच्छी मूवी थी, टाइम पास बढ़िया, अच्छी मूवी टाइम पास थी, एनिमेशन अच्छा था। हाँ सही था। हाय गाइस, तो मैं नहा के आ चुकी हूँ, थोड़ा टाइम हो गया है, थोड़ी घर की सफाई हो गई है, और घर के वही छोटे मोटे काम वीकेंड वाले, तो ये सब काम हो गए हैं। एंड अभी जस्ट फ्रेश फील हो रहा है मुझे, ओ गॉड, नहा के काफ़ी सारा लाइट फील होता है, तो सेम वे आई एम फीलिंग राइट नाउ। एंड अभी मैं सोच रही हूँ एक्चुअली कि ब्राउनी बनाने का मन कर रहा है, जस्ट आई जस्ट वॉन्ट टू बेक, मतलब ऐसे कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। इट्स मोर टू वर्ड्स, चलो बना के देखते हैं कैसी बनती है ना। आई गेस आई हैव द इन्ग्रीडियंट्स, तो मैं वही देख रही थी। तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं जेमी ऑलिवर की रेसिपी फॉलो करूँगी, उसी की रेसिपी में मैंने देखा कि आई हैव ऑल द इन्ग्रीडियंट्स काइंड ऑफ। तो लेट्स जस्ट सी, मैं देखती हूँ क्या है। और हमने पोहा खाया था, उसके बाद से भूख भूख तो लग नहीं रही है।
हम लोग लंच का भी कोई प्लान नहीं है, ना कुछ बनाया, कुछ प्लान नहीं है, तो जस्ट सी क्या होता है। फिलहाल के लिए मैं ऐसा सोच रही हूँ, डिड वी जस्ट फर्स्ट सी कि मेरे पास इंग्रेडिएंट्स हैं कि नहीं है, ठीक है, सारे हैं, और इनफैक्ट हैं तो क्वांटिटी इनफ है कि नहीं। सी माई आईज़ आर रेड, बाल धो के आओ तो जनरली ऐसा हो जाता है, माई आईज आर बिट रेड राइट नाउ। एनीवेज लेट्स जस्ट मूव अहेड विद द डे। भी मैं सोच रही हूँ मेरे पास कुछ फ्रूट्स हैं, वो काट के खाए रहे, मन कर रहा है खाने का कुछ बढ़िया, तो आई गेस एप्पल है, लेट मी जस्ट सी। हाँ, एक एप्पल काटा जाएगा, देन एक कीवी काटी जाएगी, देन एक एप्रिकॉट काटा जाएगा। आज हम खाने में यही खाते हैं, फ्रूट प्लेटर। बहुत ही ज़्यादा नीचे झुक गए कैमरे में आने के लिए। प्लेटर इज रेडी। एप्पल कितना बढ़िया लग रहा है देखने में, मस्त कलर, देखो नाइस राइट। चलो बताओ कहाँ चल के बैठ के, ना मन मेरा फ़ोन पकड़ लो प्लीज़, ये है इधर है मेरा फ़ोन। बताओ कहाँ खाना चाहेंगे आप, ना मन लाइट बंद कर दो प्लीज़। तुम कुछ भी नहीं करके आओ, कहाँ हम खाएंगे, तो हम यहाँ खा रहे हैं। कि फ्रूट्स कैसे बने हैं? फ्रूट बड़े अच्छे बनाए तुमने। कहाँ बनाए? किचन में। और तुम आज फिर से नहीं नहाया हो? तो फिर तुमने कहा नहीं मुझे मत दिखाओ, मैं नहाया नहीं हूँ। ऐसे ही हम दिखा दो क्या ही है? मैं गाना बज रहा पीछे तो पॉपुलरिटी के लिए मजा आएगा तुम्हारे में। हाँ तो हमने पुराने गाने लगा रखे हैं और गाने सुन रहे हैं। मुझे नहीं पता ये मैं डालूंगी नहीं डालूंगी, क्या करूंगी, नो आइडिया। फिलहाल मैं फ्रूट्स एंजॉय करूंगी। खाओ ना, तो लाइन ये गा के सुनाओ तुम। चलो गा के तो सुना सकते हो। अरे इसके साथ ही है वही, कौन सा तुम्हें बोल रहे हो सुरताल छेड़ो, मतलब इन जनरल ऐसे ही ना 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 स्क्रीन इस साइड है ना, मैं देख रहा हूँ इसमें, जैसे स्क्रीन इसका स्क्रीन ऊपर हो जाता है, तो द स्क्रीन इज ऑन माई साइड and he's just looking at, I don't know what you're looking at, and he's so concentratingly you're looking at phone pe ke piche jo likha hai wo pad raha tha main, to made in japan। Hey friends, welcome back। To raat ke 8 baj rahe hain, beech ka pura time gap ho gaya, maine koi brownie nahi banayi hai, socha tha, but fir hamare ek friends aa gaye, hum log aisi baatein baatein karne lag gaye, aur abhi hamara unke saath hi plan ban gaya ki we are going for dinner। ऐसी कोई छोटी सी प्लेस में, नॉट समथिंग फैंसी, बस ऐसी कैजुअल सी कोई जगह है, वहाँ जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें बस लेना पड़ेगा एंड देन वी गो। तो ये अभी का प्लान है और रात के बज रहे हैं 8 एंड मैं लिफ्ट में आपको याद है। और मेरे फ़ोन में बैटरी बची है। आज मैंने कुछ खास ऐसा किया नहीं, और मैंने जो थोड़ा बहुत किया ज़्यादा कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया नहीं, बट स्टिल ओके, ऐसे ही नॉर्मल सा चिल टाइप का दिन था। ओह गॉड, बोलना बहुत मुश्किल होता है। तो अभी आ गए हैं हम लोग घर, और रात की 11:15 हो रहा है, एंड
बस हम लोगों ने, मैंने आपको जो खाना वाना दिखाया, हम लोग वहाँ गए, इट्स जस्ट लाइक अ लोकल फूड सेंटर, हॉकर सेंटर, वहाँ पे एक इंडियन छोटा सा एक कोई आउटलेट है, वहाँ से हमने खाया, खाना वॉज गुड, थोड़ा सा मसालेदार था बट अच्छा था। तो आज का दिन मैं यहीं पर ही रैप अप करूँगी। आई होप यू लाइक टुडे स्मॉल ब्लॉग, ज़्यादा कुछ किया नहीं। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे हैप्पी, स्टे स्ट्रेस फ्री। बाय बाय।